नमस्कार, स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। राहुल गांधी सबसे पुरानी पार्टी के सबसे फ्लॉप अध्यक्ष रहे, अपने गढ़ अमेठी में चुनाव हार गए, अध्यक्ष पद छोड़ गए, राज्य दर राज्य चुनाव हारते गए। ये उनका पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड है। अब कांग्रेस ने उनका जो बायोडेटा बनाया वो देखिए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, खूब फोटो अप हुआ, दाढ़ी बढ़ाई, फुटबॉल खेले, बच्चों को गोद में लिया, 108 दिन की यात्रा का मध्यांतर हुआ और राहुल गांधी तपस्वी हो गए। यात्रा के बीच में वो विदेश नहीं गए बल्कि समाधियों पर गए, कड़ी ठंड में टी शर्ट पहने रहे। एक दिन में तपस्वी से सीधे भगवान राम हो गए। कांग्रेस राहुल गांधी के प्रोफाइल को फटाफट प्रमोशन देती जा रही है। सलमान खुर्शीद की माने तो एक टी शर्ट पहनकर वो भक्त से भगवान हो गए, जने उधारी शिव भक्त से साक्षात भगवान राम हो गए। अब उनकी खड़ाऊं लेकर पार्टी के भक्त और भरत दोनों खड़े हैं। राम लौटेंगे तो सत्ता के सिंहासन पर राज तिलक कर दिया जाएगा। क्या 2012 से 13 से मोदी के उदय के बाद देश की राजनीति इतनी आसान रह गई है? क्या कांग्रेस के चाटुकार नेता जो अपनी जमानत नहीं बचा पाते वो देश की नब्ज को समझ पा रहे हैं? कांग्रेस में राहुल की किचन कैबिनेट इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उनको बाहर क्यों नहीं निकलने देती? या फिर कांग्रेस में रहना है तो राहुल राहुल कहना है, उनकी चालीसा पढ़ना जरूरी है? कांग्रेसियों के लिए उनको भगवान मानना क्या जरूरी है? क्या राहुल को राम कहकर कांग्रेस ने बीजेपी को फिर हथियार थमा दिया है? चमचागिरी की रामायण में नरसे नारायण बने राहुल चालीसा पर आज मुकाबला में बात करेंगे। भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास। अब सलमान खुर्शीद ने भगवान राम और खड़ाओं को लेकर दिए बयान पर सफाई भी दी। आइए सुनते हैं सलमान खुर्शीद ने क्या सफाई दी। भगवान की राह पे चलने के लिए मैं जरूर कह सकता हूं कि जो भगवान की राह पे चलता है, जो भगवान की राह पे चलता है उसको मैं अप्रिशिएट कर सकता हूं। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन एक मुसलमान शायर ने कहा है कि भगवान राम इमाम हिंद हैं, इमाम हिंद हैं। इसलिए कि मैंने जिस सभ्यता की बात करी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब एकत्रित इकट्ठे भारत बनाते हैं, एक गुलदस्ता है। इसमें एक लाल रंग का फूल है, सफ़ेद रंग का फूल है, पीले रंग का फूल है, केसवा रंग का फूल है। ये सब भारतवर्ष की कल्पना है। उस कल्पना को हम मजबूत कर सकें और इसमें अगर कोई तपस्या करके दिखाता है, कोई मेहनत करके दिखाता है और एक अच्छे काम के लिए, तो हम जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम से हमने सीखा है, अगर वो हम किसी के आचरण में देखें तो क्या हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते? क्या तारीफ सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है? तो देखिए, अब आपने सुना, सलमान खुर्शीद ने इस पर अपनी सफाई भी पेश कर दी है, लेकिन फिर भी सवाल पूछे जा रहे हैं और इसको लेकर सियासत भी गर्म हो चुकी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं राकेश सिन्हा, सांसद बीजेपी हमारे साथ हैं, अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक, शिल्पी अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस, दानिश कुरैशी प्रवक्ता AIMIM। आप सभी का बहुत स्वागत है। शिल्पी अरोड़ा जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। बीजेपी कह रही है कि चाटुकारिता की सारी परिकाष्ठाओं को आप तोड़ते जा रहे हैं, क्या ये जरूरी है कि आप किसी की तुलना भगवान राम से कर दें? देखिए, कण कण में भगवान है, कहां पर नहीं है राम? हमारे अंदर राम है, आपके अंदर राम है। अगर उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करते हुए वो बात कह दी और उसके बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, चाटुकारिता की क्या बात कर रहे हैं? खुद मोदी जी के कैलेंडर बटे हैं पूरे इंडिया में, चुनावों के समय में भी उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो तरह तरह के विजुअल्स बना के करते रहते हैं। तो ये सबकी अपनी भावना है, जो जिसको समझे। चाटुकारिता का इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं खुद मानती हूँ, खुद मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और मैं मानती हूँ कि हर जगह भगवान है, सबके अंदर भगवान है और किसी भी हर जीव जंतु में, हर लिविंग चीज में, हर नॉन लिविंग चीज में, सब में भगवान का हिस्सा है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और कोई चाटुकारिता वाली बात नहीं है। बीजेपी का काम है इस तरीके के एलिगेशन लगाना, क्योंकि वो अपना सोल राइट भगवान राम का अपने ऊपर मानते हैं कि भगवान राम का जो है वो ट्रेडमार्क सिर्फ बीजेपी के पास है, RSS के पास है
और कोई पार्टी ना इसका नाम ले सकती है ना इसकी तुलना कर सकती है, इसीलिए बीजेपी को परेशानी होती है। बीजेपी को तो परेशानी हो रही है, लेकिन मैडम सवाल तो पूछे जाएंगे ना। चलिए ठीक है, मान लिया कणकण में भगवान है, चलिए ये भी मान लिया कि सबके अंदर भगवान पसे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उपाधि दे देंगे भगवान राम की, और वो भी वो पार्टी जो राम के अस्तित्व को नकार चुकी है बाकायदा हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, जो कोर्ट में हलफनामा दिया था वो सबको मालूम है, वो एक लीगल प्रोसीजर था जो वहां उस टाइम में जो भी स्टैंडिंग काउंसिल रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया, और ऐसा ही हलफनामा अभी दोबारा भी दिया गया है, बीजेपी के कार्यकाल में भी दिया गया है, जो उन्होंने राम सेतु के ऊपर जो चैलेंज किया था वो अभी दोबारा भी दिया गया है। एक लीगल प्रोसीडिंग है, जिस भी चीज के वैज्ञानिक परिणाम नहीं, प्रमाण नहीं मिलते हैं उसके लिए एक डिपार्टमेंट ने दिया। इसमें ना कांग्रेस का कोई लेना देना है और ना इसमें उस समय की गवर्नमेंट का कोई लेना देना है। उस समय का जो लीगल डिपार्टमेंट के पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे उसके आधार पर सरकार आपकी थी। 2007 की बात कर रही हूँ, सरकार आपकी थी और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था, इसीलिए आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपने तो ये बोल दिया था राम ही काल्पनिक है और अब आप तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी की। ये राम सेतु से संबंधित एफिडेविट लीगल डिपार्टमेंट ने उस टाइम जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे उसके आधार पर दिया गया था, और ऐसा ही एफिडेविट प्राची जी मैं बता दूं अभी दोबारा दिया गया है। इस समय तो बीजेपी की सरकार है, सेम एफिडेविट अभी भी दिया गया है। राम सेतु से रिलेटेड जब भी बात होती है उसके जो वैज्ञानिक प्रमाण है उससे संबंधित वो एफिडेविट दिया गया था, और जो उस समय में जो लीगल डिपार्टमेंट जी इसका जवाब राकेश जी मुझे देंगे, इस सवाल मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन मेरा तो आपसे सवाल था कि एक तरफ आप राम के अस्तित्व को नकार देंगे और दूसरी तरफ आप किसी एक शख्स की तुलना राम से कर देंगे, इसीलिए बीजेपी कह रही है कि ये चाटुकारिता है क्या, कि आपको अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर रहना है तो आपको राहुल ही जपना है और उनकी तुलना कर देनी है आपकी, आपको भगवान राम से। प्राची जी, कौन राम के, भगवान राम के अस्तित्व को नकार रहा है? हम भी उतना ही भगवान राम को मानते हैं जितना कि बीजेपी और आरएसएस वाले मानते हैं। वो सोचे कि वो ट्रेडमार्क सिर्फ उनके पास है, वो पॉसिबल नहीं है। और रही बात तुलना की, तो प्रशंसक फॉलोअर्स इस तरीके की तुलना करते रहते हैं, ऐसे कई पेंटिंग्स, ऐसे कई कैलेंडर, ऐसे कई सर्कुलेशन मोदी जी के लिए भी करे गए हैं, ऐसे कई चीजें, राम लक्ष्मण की जोड़ी अमित शाह जी और मोदी जी को भी बोला जाता है। तो ये कोई, ये तो अपना जो प्रशंसक है उनका, जो उनको लगता है वो अपने हिसाब से करते हैं। शिल्पी जी, भारत जोड़ो यात्रा निकाली है आपने, तपस्वी से भगवान राम बना दिया जिन्होंने इस देश को जोड़ा था सरदार पटेल, उनकी तुलना तो कभी नहीं की आपने भगवान राम से, आपने कभी महात्मा गांधी की तुलना नहीं की भगवान राम से। भारत जोड़ो यात्रा पर आप भगवान राम से तुलना करने लग जाएंगे, राहुल गांधी की तो सवाल पूछे जाएंगे आपसे। क्यों नहीं, वो जब पूरे देश में देश को जोड़ने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, मुझे लगता है भारत के इतिहास में सबसे बड़ी पद यात्रा है, और बिना एक टी शर्ट पहन के एक तपस्वी ही जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो वही इस तरीके से एक टी शर्ट पहन के इतनी कड़ाके की सर्दी में जहां लोग फ्रीज हो रहे हैं वो घूम सकते हैं। यही मेरा सवाल था कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी करें तो वो भगवान राम हो गए, लेकिन आप सरदार पटेल को लेकर और महात्मा गांधी को लेकर तो आप लोगों ने कभी तुलना नहीं की है। ये जो दोहरा चरित्र आ जाता है इसको लेकर सवाल है। खैर राकेश सिन्हा जी, प्राची जी, पहली बात ये है कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। उस समय में सलमान खुर्शीद जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। शिल्पी जी, तब से बैठकर आप डिफेंड कर रही हैं और आखिर में आप ये कह देंगी कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। खैर राकेश सिन्हा जी, क्या कॉपीराइट है भारतीय जनता पार्टी का भगवान राम पर कि कोई अगर नाम जपने लगता है भगवान राम का तो आपको दिक्कत हो जाती है, आपकी पूरी की पूरी फौज ये सिद्ध करने में लग जाती है कि ये तो जी फर्जी है, इनका जो प्यार है, जो लगाव है वो दिखावा है। इस प्रश्न पर आने से पहले मैं पहले सलमान खुर्शीद के उस वक्तव्य पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों हिंदुओं ने आज, कल और आने वाले कल में उनकी आराधना एक पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में की। उनके चरित्र को अपनाने की कोशिश होती है, उनके चरित्र को अपनाने का एक संदेह रहता है। उनकी तुलना राहुल गांधी से करके एक राजनीतिज्ञ जो सड़क पर अपनी सत्ता के लिए, जो सत्ता का त्याग करने के लिए, सत्ता के लिए, जो एक पार्टी को अपनी घर के कैद खाने में बंद रखने के लिए और सिर्फ एक डिवाइजी पॉलिटिक्स कर विभाजनकारी राजनीति करने के लिए उतरा है, उसकी तुलना भगवान राम से कर रहे हैं। किसी की भी तुलना भगवान राम से नहीं हो सकती है। और वह पार्टी, जब भगवान राम के मंदिर के निर्माण की बात चल रही तो भगवान राम के जन्म का प्रमाण पत्र माना जा रहा था, किसी म्युनिसिपैलिटी से प्रमाण पत्र ला के दीजिए, जन्म उसी तारीख को उसी जगह हुआ था।
इस पार्टी के नेताओं के बयान थे। ये पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी थी जो कहते थे कि भगवान राम का अयोध्या में जन्म नहीं हुआ, मंदिर का विरोध हुआ। आज तक ये मंदिर के दरवाजे पर नहीं गए और भगवान राम से तुलना कर रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, क्या सलमान खुर्शीद राहुल गांधी की तुलना प्रॉफिट से कर सकते हैं? कहकर दिखाएं राहुल गांधी प्रॉफिट है, कहकर दिखाएं राहुल गांधी जीसस क्राइस्ट है, कहने की हिम्मत नहीं है। हिंदुओं की उदारता, जो हमारी आध्यात्मिक उदारता है, आध्यात्मिक बहुलता है, उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। हिंदू उदार होता है और हम कहते हैं कण कण में राम है, इसलिए हम कहते हैं कि इस राम की भक्ति आप कीजिए, लेकिन राम की भक्ति करने में भगवान राम का अवमूल्यन मत कीजिए। भगवान राम के चरित्र पर वो दाग मत लगाइए कि भगवान राम उन लोगों की तरह हैं, सड़क पर चलने वाले राजनेताओं की तरह हैं। राजनीति में प्रतिस्पर्धा होती है, आप उनकी तुलना किसी अब्राहम लिंकन से कर देते, आप उनकी तुलना अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन से कर देते, हिंदुस्तान में महात्मा गांधी से कर देते, हम उस पर डिबेट करते। लेकिन ये तो डिबेटेबल ही पॉइंट नहीं है। सलमान खुर्शीद ने हजारों साल की सभ्यता संस्कृति में, मुझे कोई याद नहीं है किसी व्यक्ति को कहा गया है। राकेश सिन्हा जी, ऐसा क्यों होता है कि जब कांग्रेस की तरफ से भगवान राम का नाम लिया जाता है, जब जय सिया राम राहुल गांधी करते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी फौज, में फिर मेंशन कर रही हूं, आपके तमाम नेता ये सिद्ध करने में लग जाते हैं कि ये जो कांग्रेस का प्यार है राम के लिए, ये गलत है, ये दिखावा है। ऐसा क्यों? आपका कॉपीराइट है क्या? वो तो पूरे देश के लिए भगवान है। इसका नहीं, भगवान राम के प्रति किसी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम के तो के वंशज मानने वाले कोरिया में भी लोग हैं और हजारों लोग कोरिया से भारत आ चुके हैं अयोध्या में मंदिर का दर्शन करने के लिए। इसलिए भगवान राम पर किसी का कॉपीराइट, भगवान राम किसी के पेटेंट नहीं हो सकते हैं, ईश्वर किसी का भी पेटेंट नहीं हो सकता है, जो भी अध्यात्म की समझ रखता है। और सलमान खुर्शीद और कांग्रेस पार्टी के पास संस्कृति और अध्यात्म बोध नहीं है। यदि ऐसा बोध होता कि भारत की संस्कृति से भगवान राम का नाम किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, जब अयोध्या आंदोलन से पहले लगातार कांग्रेस को अवसर मिला, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से लेकर अयोध्या आंदोलन शुरू होने तक कांग्रेस के पास अवसर था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती, नहीं किया। और उन लोगों के साथ खड़ी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ कांग्रेस खड़ी रही, जिन लोगों ने अभद्र भाषा में, अभद्र तरीके से भगवान राम के जन्म स्थान का विरोध किया। दूसरी बात कि मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की राम की भक्ति कब से जगने शुरू हुई है, कांग्रेस पार्टी इसको बताते दे। राम की भक्ति का तात्पर्य क्या समझती है? जय सिया राम बोले कि जय श्री राम बोले, इस पर किसी को कोई आपत्ति, जिसकी जो इच्छा, जिसकी जो श्रद्धा वो बोले। लेकिन उस श्रद्धा और इच्छा का प्रयोग कब करना शुरू किए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर अधिवेशन में, के सम्मेलन में जब पारित किया था कि हम अयोध्या आंदोलन के साथ खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस उतार चढ़ाव को देखा। जब गुंबद का ढांचा गिरा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को असंवैधानिक तरीके से हटा दिया गया, चुनी हुई सरकारों को हटा दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम ये से तो आरोप आप पर भी लग रहे हैं राकेश जी, कि उस वक्त अगर कांग्रेस जो कर रही थी और कांग्रेस ने जो हलफनामा दाखिल किया था, अभी जो संसद में बयान आया है, उसके क्या मायने निकाले फिर हम? उसमें भी तो आप लोग नहीं मान रहे हैं ना कि राम सेतु है। भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पूरे विचार परिवार का एक मत है कि भगवान राम हमारी हकीकत है। भगवान राम भारत की संस्कृति, भारत की प्रकृति। और आप अलग कैसे हो गए राकेश जी? मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे, शिल्पी अरोड़ा की पार्टी अगर ये कह रही है राम डजंट एग्जिस्ट, अगर शिल्पी अरोड़ा की पार्टी ये कह रही है, लीगल टर्म में कह रही है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो आप भी तो यही कह रहे हैं ना संसद में सर? देखिए आप एक मूल अंतर को समझिए। कांग्रेस ने उनको मिथक कहा, भगवान राम मिथक है। ये जो हलफनामा जो गया है उसमें मिथक नहीं कहा गया है। जो भी हलफनामा गया है, सरकार ने उसको रौंद दिया है। उस समय सरकार उसके पीछे खड़ी थी। दोनों मंत्र हैं। गलती मैं कर सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कोई गलत करूं और पार्टी चुप रहे, लेकिन पार्टी मुझे रौंद देती है, सरकार रौंद देती है, तो सरकार का स्टैंड है। उस समय सोनिया गांधी से लेकर सभी लोग उस हलफनामे के साथ खड़े थे। उस राम सेतु को बचाने के लिए देश में बड़ा आंदोलन करना पड़ा, साधु संतों को सड़कों पर निकलना पड़ा, मिलियंस ऑफ पीपल को लोगों को। लेकिन उसी राम सेतु पर सर आपका बयान भी बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं हो रहा है, उसी को लेकर कांग्रेस कह रही है कि आप भी माफी मांगिए अगर आप हमसे माफी मंगवाएंगे। नहीं, कुछ कोई समानता नहीं है, कोई समानता नहीं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का स्पष्ट मत है इस तरह की किसी भी बात को, न सरकार, न पार्टी, न विचारधारा, न समर्थन की तो बात दूर, कहीं से भी ये बात आती है आग समझकर
जाकर हम अग्निशामक लाकर बुझाते हैं। अवस्थी जी, लेकिन जिन्होंने ये बयान दिया है वो छोटे मोटे नेता नहीं है, राज्य मंत्री है पीएमओ में, ये भी आप समझ लीजिए, इसलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा। खैर अवस्थी जी, जो चर्चा यहाँ पर चल रही है देश की राजनीति को क्या हो गया है कि तमाम राजनेता अब अपनी तुलना भगवान से करने लग गए? राकेश एक सेकंड, बाकी मेहमान के पास जा रही हूं, रुक जाइए। बात समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो अध्यात्म के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है, क्या लोगों को दिखाई नहीं पड़ता? अरे सर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूं राकेश सिन्हा जी, मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि आपने काम किया कि नहीं किया, मैं तो उस बयान को लेकर आपसे सवाल पूछ रही थी जो बयान दिया गया है संसद में। अरे ठीक है, आपने कहा कि इसमें सवाल तक सरकार आ गई, आपकी बात आ गई सर, मैं बाकी मेहमानों के पास चली जाऊं। अवस्थी जी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की आध्यात्मिक चेतना को जो जगाने का ऐतिहासिक काम, मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ राकेश सिन्हा जी, मैं चर्चा किसी और बात को लेकर कर रही थी, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ। अवस्थी जी, देश की राजनीति को क्या हो गया है कि तमाम राजनेता अपनी अपनी तुलना ईश्वर से, भगवान से करने लग गए? राहुल गांधी की तुलना श्री राम से हो रही है, अखिलेश यादव अपनी तुलना श्री कृष्ण से कर बैठे थे। प्राची जी, मैं हर एक बात का जवाब दूंगा, इसलिए मुझे टाइम दे दीजिएगा। पहली बात मैं आपको बता दूं, भगवान राम को काल्पनिक नहीं कहा, राम से तू प्रामाणिक है या नहीं है इस पर जवाब आया है। भगवान राम को काल्पनिक नहीं कहा, पहली बात तो ये, इसको आप दिमाग में साफ कर लेना चाहिए। जो शिल्पी अरोड़ा जी कह रही थी राम सेतु के बारे में हो रही थी, भगवान राम के बारे में बात नहीं हुई है। आपने भगवान राम को मिथ किया चरित्र काल्पनिक और वायवी बता दिया था, ये इस पर बात हो रही, पहली बात। दूसरी बात, सलमान खुर्शीद तो हैबिचुअल है, और सिर्फ सलमान खुर्शीद नहीं, कांग्रेस के नेता ऐसे हैं तमाम हैं, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम, सलमान खुर्शीद तो पता नहीं क्या क्या बयान दे चुके हैं। चीन जब घुस के आया था तो उन्होंने कहा था कि अरे 600 किलोमीटर क्या होता है, गाल पे तिल के समान होता है, तब ये इनको याद होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो तुलना करते तो किसी गुणों से करते तो समझ में आती। उन्होंने कहा कि वो टी शर्ट पहन के निकलते हैं और हम जैकेट पहन के निकलते हैं, इसलिए भगवान राम है वो। ये तो पहली बार मैंने सुना कि कोई बिना कपड़ों के सर्दी में निकलता है तो उसकी तुलना भगवान राम से करती है। की बात कही ये तो हास्यास्पद है बयान, खड़ाओ की बात कही, ये तो हास्यास्पद है। उन्होंने कहा खड़ाओ लेकर जाएंगे, पता नहीं भगवान राम नहीं आएंगे। वो जूते पहनते हैं कि नहीं, वो जूते या जूते वूते वो जो बड़े महंगे जूते जो पहनते हैं वो पहने हुए थे कि नहीं, या वो भी ले गए लोग, भक्त लोग उनके ले करके जिसको वो खड़ाऊ कह रहे थे। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद बयान है प्राची जी, इसमें कोई किसी भी तरीके का तर्क तथ्य किसी भी तरीके का नहीं है। जो सुन रहा है वो हंस रहा है कि वाह क्या बात है। ये वाकई आपने कहा कि चाटुकारिता की पराकाष्ठा है कांग्रेस की तरफ से, ये पहली बार नहीं आया है। इंदिरा इज इंडिया कह दिया था देवकांत बरुआ ने, तो पूरे इंडिया को इंदिरा कह दिया था। ये कांग्रेस की परंपरा है, कांग्रेस में वही रह सकता है जो इस परिवार की इस हद तक चाटुकारिता करे, वही इस कांग्रेस पार्टी में रह सकता है, अन्यथा बाहर हो जाएगा वो, साइडलाइन कर दिया जाएगा, तमाम उनसे हटा दिया जाएगा। क्या हालत है आज G23 की, कोई भी सामने नहीं है, कोई किसी दूसरी पार्टी से राज्यसभा सदस्य बन गया, कोई पार्टी छोड़ गया, कोई बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। हिमाचल के चुनाव हुए, क्या हुआ आनंद शर्मा का? इसलिए प्राची जी, इस बारे में मुझे किसी तरीके की कोई भी दुविधा नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है, मैं ये हाथ जोड़ करके कहूंगा कि कपड़े उतारने पर, एक टी शर्ट पहनकर निकलने पर भगवान राम की तुलना मत कीजिए। भगवान राम गुणों के कारण भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, हजारों हजारों वर्ष तक हम सबके आराध्य है। वो इसलिए नहीं है कि वो उनको ठंड में सर्दी नहीं लगती, इसलिए भगवान राम हो जाते हैं। ठीक, कृपा करें। ठीक है दानिश कुरैशी जी, सलमान खुर्शीद का ये बयान, इसे आप किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि जब भारत माता की जय बोलने को कहा जाता है तो धर्म आगे आड़े आ जाता है, लेकिन आप जब खड़ाऊं की बात करेंगे, आप भगवान श्री राम की बात करेंगे और बताएंगे कि हम तो खड़ाऊं लेकर चल दिए हैं, तो क्या इसमें धर्म आड़े नहीं आता है? देखिए प्राची जी, मैं तो बिल्कुल उसी बात को दोहराऊंगा जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं। इस देश के सियासतदानों में होड़ मची है कि कौन सुपर हिंदू है और कौन बड़ा हिंदू है। दरअसल देश की राजनीतिक जो समस्याएं हैं
उस पर से राजनीतिक पार्टियां हटके अब तक भारतीय जनता पार्टी तो धर्म आधारित सांप्रदायिक राजनीति कर ही रही थी, कांग्रेस भी उसमें पिछले कई सालों से जुड़ चुकी है। दिक्कत यह है, आप मुझे ये बताइए कि किसी ने किसकी तुलना किसके साथ कर दी, इससे एक आम भारतीय नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क आने वाला है? कोई फर्क आने वाला नहीं है, चाहे राहुल गांधी एक टी शर्ट पहन के पूरा साल चलते रहें या एक दिन में मोदी जी की तरह मोरबी टूट जाने के बाद दिन में चार जोड़ी कपड़े बदलें, तो आम आदमी जो है भारत का आम नागरिक उसकी जिंदगी में क्या फर्क आने वाला है? कोई फर्क आने वाला नहीं है। दिक्कत क्या है कि हमारे देश के जो असल मसाइल हैं वो हो गए हैं साइड पे। अब सवाल यहां आके खड़ा हो गया है कि भाई इनकी तुलना किसी देव के साथ कर दी गई है तो ये कितना जायज है कितना नाजायज है? देखिए, मुझे लगता है कि आपको आध्यात्मिक होना या मेरा आध्यात्मिक होना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर आपको आध्यात्मिक होना है, जिस किसी भी राजनेता को, उसको राजनीति छोड़कर और धर्म ध्यान की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए, जिस किसी भी मजहब में वो मानता है। सवाल यह है कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आपकी इस राजनीति से देश को क्या फायदा होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे सिन्हा साहब बैठे हैं, वो भी बताएं। हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता, अगर बीजेपी और कांग्रेस हिंदू हिंदू कर रहे हैं तो आप भी तो मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, आप कैसे अलग हो गए? आप कौन से सबके साथ सबके विकास की बात कर लेते हैं? नहीं नहीं, देखिए प्राची जी, प्राची जी सुनिए 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 प्राची जी, मैं आपको बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो पीड़ितों की सियासत करती है, और हम जब बात करते हैं ना तो आप देख लीजिए, मैं दोबारा आपके पास ये रिपीट कर रहा हूं, इससे पहले भी मैं आपको कह चुका हूं कि अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में डिस्क्रिमिनेशन किसी कम्युनिटी के साथ हुआ है तो प्राइमरली इस देश का अल्पसंख्यक मुसलमान है। तो आप मुझे बताइए कि उसके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की हिमायत करना क्या गैर संवैधानिक है, क्या धार्मिक है, क्या पोलराइजेशन की राजनीति है? बताइए तो आप मुझे, आप बताइए नानी जी। आप अगर अब ये कहेंगे कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा प्रताड़ित मुसलमान हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ साथ मेरा कोई भी पैनलिस्ट इस बात को एग्री करेगा। ये जिस तरीके का नरेशन आप चला रहे हैं, हिंदू मुसलमान मुसलमान प्रताड़ित, तो इसको लेकर भी सवाल उठेंगे दानिश जी। प्राची जी, हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिए ना, और इज्जत करना सीख लीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे अरे सुन तो लीजिए, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए ना, आप मत मानिए, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें आपको मिल जाएंगे, आंकड़े मिल जाएंगे, और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को तो आज समझो 15-17 साल होने को आ गए। ठीक है शिल्पी अरोड़ा जी, सबसे ज्यादा सवाल आप ही से पूछे गए हैं कि ये किस तरीके का व्यवहार आप लोग कर रहे हैं। आप करिए, आप अगर राहुल गांधी की तारीफ करना चाहते हैं तो आप तारीफ करिए, लेकिन क्या ये वाकई में मैंडेटरी हो गया है? क्या आप राहुल गांधी की तुलना ऐसे ऐसी उससे कर देंगे, भगवान से कर देंगे, जिसे शायद सेंटिमेंट्स हर्ट हो और हर्ट हो भी रहे हैं? देखिए, उन्होंने, मैंने पहले भी कहा है, वो पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा राहुल जी जिस तरीके से, देखिए एक बहुत हिम्मत की बात है, जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक का, आप उस बयान की निंदा करती हैं फिर? उनके अपना वो क्लैरिफाई कर चुके हैं, वो अपना स्पष्टीकरण खुद दे चुके हैं। आप उस बयान की निंदा कर रही हैं? निंदा क्यों करेंगे, उनके व्यक्तिगत बयान है ये, पार्टी का स्टैंड नहीं है ये, उनका व्यक्तिगत पार्टी का स्टैंड नहीं, जिसका जिसने अगर गलत बयान की है, गलत बयान पर कम से कम निंदा तो कर दीजिए। जो फील कर रहा है, उन्होंने अपने फील, उन्होंने अपने भावनाएं रखी हैं, और एक हमें इस चीज का सम्मान करना चाहिए। कितने कार्यकर्ता होते हैं अपने नेता को एक भगवान के रूप में पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनको एक आदर्श के रूप में मानते हैं। पहली बात तो उनके बयान को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जा रहा है। आप जो ये कह रहे हैं कि टी शर्ट को लेकर कहा, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा एक योगी और तपस्वी ही इस तरीके की पूरी भारत यात्रा कर सकता है। शिल्पी जी, आप कह रही हैं पार्टी का स्टैंड नहीं है, तो मुझे पार्टी का स्टैंड बता दीजिए इस पर कि पार्टी का स्टैंड क्या है। मैं मान लूंगी कि सलमान खुर्शीद का ये अपना निजी बयान है, मैं मान लूंगी, आप बताइए पार्टी का स्टैंड क्या है, राम से तुलना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए राहुल गांधी की? उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का स्टैंड से उनको कंपेयर नहीं कर रही है। पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने, पार्टी के किसी भी अधिकारी प्रवक्ता ने उनका कंपैरिजन भगवान श्री राम से नहीं किया, लेकिन कोई इसमें हर्ज नहीं है, सभी लोग करते हैं और उनकी पार्टी में भी करते हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी अमित शाह जी को, मोदी जी को कहा जाता है। प्राची जी, मैं यहाँ आपको एक सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट बताना चाहूंगी, आई विल रीड आउट हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। जो लोग ये सूडो अपने एक सोल राइट्स की बात करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने
ये 10 दिसंबर को ट्वीट किया हुआ है जी जी, मोदी लाइक रावण, मोदी लाइक रावण वाइन क्लेमिंग टू बी रिलीजियस इज डिमोलिशिंग और ग्रैबिंग टेम्पल्स एज इन वाराणसी इन उत्तराखंड एंड नाउ वी फाइंड हिज प्लानिंग विद लेकिन चर्चा इसी बात को लेकर है। पार्टी का स्टैंड आप क्लियर कर रही है, लेकिन आप ये भी नहीं कह रही है कि जो सलमान खुर्शीद ने कहा वो गलत कहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। राकेश सिन्हा जी ब्रेक पर जाने से पहले दानिश जी ये कह रहे थे कि आप तो करते ही थे ऐसी राजनीति, आप पर तो पूरा पूरा आरोप है कि आप तो एक पक्ष को सिर्फ खुश करने की कोशिश करते रहते हैं और एक पक्ष कितना पीड़ित है ये आंकड़े बताते हैं, दानिश जी ने कहा। अब तो कांग्रेस भी कूद गई ऐसी लड़ाई में और शायद यही वजह है कि आपको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आपकी सियासी पिच जो है वो खिसक जाए। देखिए, भारतीय पक्ष यदि एक पक्ष है तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। भगवान राम का संबंध किसी एक पक्ष से नहीं है, भारत की आत्मा से है, और कुरैशी साहब भारत की आत्मा से अपने आप को जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं तो उनको निर्णय करना पड़ेगा। वे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ उसी बात को आप टेलीविजन चैनल पर बोल रहे हैं। संविधान सभा की बहस पढ़ लीजिए, संविधान सभा में तजामुल हुसैन मुस्लिम लीग के बिहार के प्रतिनिधि थे, उन्होंने क्या कहा था कि अल्पसंख्यक एक ब्रिटिश क्रिएटेड वर्ड है, इसको अपनी डिक्शनरी से बाहर फेंक दीजिए, प्लीज थ्रो दिस टर्म फ्रॉम योर डिक्शनरी। और यदि हम अलग अलग पूजा पद्धति अपनाते हैं इसका मतलब नहीं कि कोई बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गए। एससी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, वे आस्था से ईसाई थे, उन्होंने क्या कहा, वो एक राष्ट्र और एक जन बनाने को, वन नेशन वन पीपल बनाना चाहते हैं, तो धर्म के संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार की किसी को भी छूट देना, किसी प्रकार को विशेषाधिकार देना और अल्पसंख्यक मानना इस देश के लिए घातक सिद्ध होगा। और 47 की उन्होंने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से कहा 47 की पुनरावृत्ति होगा। आज मुझे आश्चर्य लग रहा है मुसलमान के साथ कहाँ कहाँ भेदभाव हुआ। कम से कम 2014 के बाद से 80 करोड़ जनता को मिलने वाली राशन में मुसलमान गरीब के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उज्ज्वला योजना मुसलमान के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ट्रिपल तलाक से मुसलमानों को न्याय मिला कि नहीं मिला, जो न्याय 47 से नहीं मिल पा रहा था उसके पहले से नहीं मिल रहा था, क्या आप ट्रिपल तलाक से को हटाने से नाखुश हैं, क्या 80 करोड़ जनता को जो मिला उससे नाखुश हैं, जो इंश्योरेंस 49 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच गया है, ये आंकड़ा मैं पुराना बता रहा हूं, मैं अभी लेटेस्ट आंकड़ा देखा नहीं, क्या उस 49 करोड़ में मुसलमान आया कि नहीं, जनधन योजना में बैंक अकाउंट खुला उसमें मुसलमान आया कि नहीं। सवाल उठता है कि इस तरह के पॉलिमिक्स से, इस तरह के नारेबाजी से आप देश में ध्रुवीकरण करते हैं, आम लोगों को बरगलाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात इनके लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जमीन का जो मुसलमान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से खुश है। इसी कारण से असम में एक महिला वोट देकर आई तो आपने उसकी हत्या कर दी। जहां पर लोग कहते हैं हम बीजेपी को वोट देकर आए उसको डर लगता है अपने परिवार के अंदर, ऐसी परिस्थिति पैदा मत कीजिए जिसमें लोकतंत्र खतरे में आ जाए। और ओवैसी इस लोकतंत्र के सबसे बड़े शत्रु हैं जो इस्लामीकरण करना चाहते हैं इस देश का, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, इस देश का मूल चरित्र हिंदू है और हिंदू का तात्पर्य किसी आस्था से नहीं है, किसी पूजा पद्धति से नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीयता भी है, हमारी सभ्यताई पहचान भी है, हमारी विरासत भी है। इस सभ्यता संस्कृति और सभ्यताई पहचान से यदि आप नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप द्वि राष्ट्रवादी हैं। लेकिन आपके जो सवाल शिल्पी जी उठा रही हैं बार बार कि कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री मोदी जी कार्यकर्ता अपने नेता को किस रूप में देखते हैं ये तो कोई तय नहीं कर सकता ना। राकेश जी एक सेकंड, जो शिल्पी जी बातों को कह रही है कि कार्यकर्ता किस तरीके से देखते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे। इस देश की गंगा, इस देश की जमुना, इस देश की नर्मदा, इस देश की सिप्रा नदी, इसका क्या महत्व है? इस महत्व को क्या यूरोप के चश्मे से देखेंगे, कांग्रेस के हेडक्वार्टर और ओबीसी के हेडक्वार्टर से हम देखेंगे? इस देश का जो महत्व है, जो मैं लौटूंगी आपके पास और आपसे इस सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगी, लेकिन दानिश जी इस पर काउंटर करना चाह रहे हैं। दानिश जी देखिए, वो तो साफ कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, हिंदू मुसलमान कैसे ढूंढने लग जाते हैं आप हर एक मसले पर? देखिए, दिक्कत क्या है कि सिन्हा साहब सांसद हैं और बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके की बात उन्होंने इस नेशनल चैनल पे कही है, इतने बड़े नेशनल चैनल पर, बड़ा अफसोस है मुझे। देखिए, वो जो बात कर रहे हैं संविधान सभा की और चर्चाओं की और बहस की और बड़े बड़े राजनेताओं की, जिन लोगों का योगदान रहा इस देश के भविष्य बनाने में, तो मेरा उनसे सीधा ये सवाल है कि देश के संविधान के अंदर में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता के जो अल्फाज हैं, सिन्हा साहब आपकी सरकार है, बहुमत है, उनको दूर कर दीजिए कि राजनीतिक समानता नहीं मिलेगी, आपका
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। जो आपके बोलने का जो तर्क निकल के आ रहा है, जो मैं समझाऊं, वो यही निकल के आ रहा है कि आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर ये कहते हैं कि सरकार की वेलफेयर योजनाओं में, तो आप भी एक काम करिए, आप भी जवाहरलाल नेहरू जी की तरह आर्टिकल 341 पे जिस तरह धर्म के आधार पर नोटिफिकेशन लगा दिया गया कि पसमांदा मुसलमानों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप भी लगा दीजिए कि वेलफेयर योजनाओं का लाभ जो है मुसलमानों का नहीं मिलेगा। क्या यही रह गई है इस देश के अंदर में राजनीति करने की नीति? आप मुझे बताइए, क्या हम, सुनिए सुनिए सेना साहब, मैं खत्म कर लूं, आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल इत्मीनान से सुन रहा था, आप मुझे सुनिए। सवाल यह है कि आज देश की, सुनिए, आज देश की सबसे बड़ी समस्या चीन है, आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, आज देश की सबसे बड़ी समस्या हमारा नौजवान जो जिसके पास रोजगार नहीं है, आज देश की सबसे बड़ी समस्या लोगों के कोरोना के बाद आर्थिक स्थिति है। इन परेशानियों को छोड़ के आप क्या बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी की कंपैरिजन जो है, राहुल गांधी की सवाल दानिश जी राजनीति को लेकर था कि आप धर्मों को बीच में क्यों ले आते हैं, आपकी पार्टी अपने धर्म को बीच में ले आती है। आज राम की तुलना राहुल गांधी जी से कर दी गई है कि भगवान श्री राम जैसे व्यवहार हो गया है राहुल गांधी का, तो इन तमाम चीजों को लेकर मेरा सवाल था, किसके साथ कितनी ज्यादती हो रही है, मेरा सवाल नहीं था। मेरा तो सीधा जवाब यह है जो मैंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने नंबर ऑफ टाइम्स ये कहा है कि देश के अंदर में सुपर हिंदू बनने की होड़ मची हुई है, प्रधानमंत्री ये कंपटीशन में रहते हैं कि मैं बड़ा हिंदू, विपक्ष के जो दूसरे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के नेता हैं वो इस होड़ में रहते हैं कि मैं बड़ा हिंदू। इस बीच में जो पिस रहा है ना राजनीतिक स्तर पे, जो आप भी तो अपने आप को सेक्युलर ही बताते हैं ना, और आप भी सिर्फ मुसलमानों की ही बात करते हैं, तो ये सेक्युलर शब्द बड़ा बेमानी सा लगता है जब आप राजनेताओं के मुंह से शब्द में सुनती हूं। आप मेरी बात तो समझिए, सेक्युलरिज्म बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम इक्वालिटी से ही तो शुरू करेंगे ना, सेक्युलरिज्म अल्टीमेटली पहुंचेगा कहां प्राची, हम सेक्युलरिज्म से तो समानता से तो जी, ये राजनीति का स्तर क्या हो गया है कि हम भगवानों की तुलना करने लग जाएंगे क्या बार बार? प्राची जी, अभी राकेश सिन्हा जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ समूची की समूची जो व्यवस्था है वो सामने रख दी। इस उनकी किसी भी बात का कोई जवाब दानिश कुरैशी के पास नहीं था, एक बात का भी जवाब नहीं था दानिश कुरैशी के पास। आप बातों का जवाब दीजिए ना, आप तथ्यों का जवाब दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, दानिश साहब आप कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं, वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो बयान देते हैं उनके बारे में, वो तो आपके लिए धर्म निरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, वो तो आपके लिए, आपकी पूरी पार्टी ही मुसलमानों के इकट्ठा हो जाने की बात करती है, वो सेकुलर है इस देश में, वो संविधान प्रदत्त है। दानिश जी आप जिस दिन चाहें उस दिन बाबा साहब अंबेडकर के भाषणों को लेकर के, उनकी संविधान सभा में कही हुई बातों को लेकर के आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन बहस करने को तैयार हूं मैं आपसे। मैं आपको बता सकता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था। राकेश सिन्हा जी की बात का जवाब दिया आपने कि ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्या होता है, इस देश में अगर सबको राशन मिल रहा है, इस देश में अगर सबको समान रूप से यहाँ पर घर मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, सबको आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, आपने राकेश सिन्हा जी की एक बात का भी जवाब दिया कि वहां पर कहां अल्पसंख्यक और कहां बहुसंख्यक? क्यों आप कहते हैं कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, और ऊपर से हिंदू देवी देवताओं का अपमान आपके नेताओं द्वारा लगातार, आपके सुप्रीम कहें कि योगी चला जाएगा मठ में और वो मोदी चला जाएगा हिमालय पर पहाड़ पर, तब आपको कौन बचाएगा? ये आपकी धर्मनिरपेक्षता, ये देश स्वीकार करने वाला नहीं है। ठीक, आप फिर से विचार कीजिए अवस्थी जी, लेकिन मैं वो समझना चाह रही हूँ आपसे जो शिल्पी जी अभी कह रही थी कि कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता अपने नेता को किस रूप में देख रहे हैं और किस रूप से उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तो डिफाइन नहीं किया जा सकता। कार्यकर्ता हैं, सलमान खुर्शीद की निजी राय है कि वो तुलना कर रहे हैं भगवान राम से राहुल गांधी की, उनके व्यवहार उनके आचरण को लेकर। मुझसे सवाल है ना? जी 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 अवस्थी जी, क्या ये जायज है? हाँ, मैं शिल्पी जी की बात का इस बात का जवाब देता हूँ। कार्यकर्ता इंडिया इज इंदिरा नहीं कह सकते, भारत वर्ष को इंदिरा नहीं कह सकते, वो कार्यकर्ता कहें कुछ भी कह लें, भगवान राम से तुलना नहीं कर सकते, वो जिससे तुलना और करना चाहे करें। और जहां तक पदयात्रा की बात है, विनोबा भावे हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, चंद्रशेखर हो, इससे बहुत बड़ी 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 यात्राएं की हैं, इसलिए यात्रा करें, वो यात्रा ही करते रहें, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीच में ब्रेक भी ना लें क्रिसमस और नए साल पर, ये भी उनसे अपेक्षा है, वो जो मर्जी चाहे करें। लेकिन बात यह है कि इंदिरा इज इंडिया कहने पर इस देश का नागरिक, इस देश का सामान्य व्यक्ति स्वीकार नहीं करने वाला। राहुल गांधी टी शर्ट उतार करके बड़ी लंबी तेज गति से चलते हैं, इसलिए भगवान राम के समान हो गए,
ये इस देश का व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा ये, बल्कि स्पष्ट सी बात है, इनको समझ में आ रही है, इसलिए कह रही है कि ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, इससे ज्यादा ये कुछ कह नहीं पा रही। लेकिन इस बात का तो जवाब देना होगा कि आप 3000 किलोमीटर की अगर यात्रा कर लेंगे, आप देश जोड़ने की बात करेंगे, तो सीधा सीधा उनकी तुलना भगवान राम से कर देंगे। मेरा सवाल ये है कि आप सेंटिमेंट्स को कब तक हर्ट करिएगा? एक वर्ग के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं जब इस तरीके की बयानबाजी होती है? नहीं, इसमें मैंने आपको पहले भी कहा है कि सभी कार्यकर्ता करते हैं, मोदी जी के बहुत पोस्टर आ चुके हैं, श्री कृष्ण के उसमें आ चुके हैं, भगवान श्री राम के उसमें आ चुके हैं, इनके इनके पार्टी के खुद लोग, इनके पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भाई मैं प्राची जी, मैं इनको समझा दूं, आरएसएस और बीजेपी और ये मोदी के भक्त तो नफरत फैलाते हैं, वो क्यों उनका उदाहरण दे रही हैं आप? उन नफरत फैलाने वालों का उदाहरण क्यों दे रही हैं आप? मैं कार्यकर्ताओं का और नेताओं का कर रही हूं, नेताओं का उनकी भावनाएं हैं, नफरत फैलाने वालों की है, उन नफरत फैलाने वालों का उदाहरण दे करके आपको सही साबित कर रहे हैं। श्री राम है मेरे अंदर, श्री राम है, आप श्री राम का रूप है, तोड़ते हैं उनका उदाहरण दे करके अपनी बात को सही साबित करना, आप इस बात को डिनाई करते हैं, ये राजनीति नहीं चल रही है, आप श्री राम का रूप नहीं है, आप एक मेरे अंदर श्री राम नहीं है, वो दुकान चला रहे हैं, भगवान है, आप मान्यता होनी चाहिए, श्री राम का नाम लेने से हम कहते थे कि उनकी दुकान खत्म हो गई, कोई सामान नहीं खरीद रहा, आप दुकानदारी कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं मैं दुकान चला रहा हूँ अपनी, कल उन्होंने कहा मैं दुकान चला दुकान रहा हूँ, दुकान क्या चला, तो वो दुकान चलाए जा करके उनको दुकान चल रही है। भाजपा भाजपा कौन सा भगवान राम का, कौन सा राम राज्य का सिद्धांत मान रही है? 1000 से ऊपर के साल बॉर्डर पे मर जाते हैं। शिल्पी जी एक बात क्लियर करिए, शिल्पी जी सुनिए, भाजपा क्या कर रही है, भाजपा के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, इसका जवाब राकेश सिन्हा जी देंगे, ये आप थोड़ी ना देंगी, आप तो कांग्रेस का जवाब मुझे देंगी, यही तो दिक्कत है, मैं कांग्रेस का सवाल पूछूंगी तो आप बीजेपी की चीजें मुझे गिनाने लगेंगी। आप मुझे बताइए, किसी एक इंसान का, किसी शख्स की तुलना भगवान से कर देना, श्री राम से कर देना, क्या जायज है आपकी नजर में? ये उनकी निजी भावनाएं हैं और उनको पूरा हक है ऐसा तो करने इसीलिए का, तो कहा जा रहा है, इसीलिए तो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि चाटुकारिता नहीं तो और क्या है? बिल्कुल कह रहे हैं प्राची जी, कण कण में भगवान है, मैं आपको भी कह चुकी हूँ, आपके अंदर भी है, कोई नहीं रोक सकता। और आप ये खुद बताइए, जब सुब्रमण्यम स्वामी जी लिखते हैं, रावण लिखते हैं मोदी जी को, उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता? वो रावण लिखते हैं, वो कहते हैं वो मंदिरों पे कब्जा कर रहे हैं, आप राम राज्य का कौन सा काम कर रहे हैं? शिल्पी जी, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता है, क्या उनके नेता उनको कह रहे हैं, इसका जवाब राकेश जी मुझे देंगे, आप मुझे बताइए, मैं क्यों ना मानूं कि आप ये सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं? किसी और धर्म से तो आप तुलना नहीं कर पाते हैं, करके दिखाइए। प्राची जी उन्होंने जो कहा वो अपना क्लैरिफिकेशन खुद दे चुके हैं, मुझे नहीं लगता इस पे फर्दर पर्टिकुलर चर्चा की जरूरत है, उन्होंने खुद क्लैरिफाई कर दिया कि उनकी खड़ाऊ आ गई हैं और हम भी उम्मीद है वो भी आएंगे, और उन्होंने वो बात रखी है, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है, और उनके निजी प्रवक्ता दो बातें नहीं हो सकती शिल्पी जी, या तो आप उनकी बात से इत्तेफाक रखिए या फिर पार्टी को इससे बिल्कुल साइड कर दीजिए। आप ये कह रही हैं कि पार्टी का स्टैंड ये नहीं है, लेकिन आप ये भी कह रही हैं कि ये उनकी राय है और वो अपने नेता को किसी भी रूप में देख सकती हैं। खैर, राकेश सिन्हा जी, शिल्पी जी कह रही हैं कि आपके नेता भी तो ये करते हैं, आपके कार्यकर्ता भी ये करते हैं, तो तब तो आपको आपत्ति नहीं होती, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। देखिए, जब वैचारिक रिक्तता आती है तो अराजकता को आमंत्रित कर दिया जाता है। देख, मैं अपनी बात कर लूं। शिल्पी जी एक सेकंड, जब वैचारिक रिक्तता आती है तो अराजकता, वैचारिक रिक्तता में अराजकता आती है, कांग्रेस पार्टी उसी अराजकता से गुजर रही है। दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं, सलमान खुर्शीद क्या बोलते हैं, राहुल क्या गांधी क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं, सबका व्यक्तिगत विचार होता है और पार्टी किसी से डिस्टेंस करती है, फिर किसी का खंडन नहीं करती है। आज यदि पार्टी एक स्टेटमेंट जारी करके सलमान खुर्शीद की निंदा करती, सलमान खुर्शीद से सो को नोटिस पूछती, तब मैं मानता कांग्रेस पार्टी अस्पष्ट है। आज कांग्रेस पार्टी उस बयान को स्वीकार कर रही है, इसलिए एक उसकी प्रवक्ता भी टेलीविजन चैनल पर उस बयान को व्यक्त कर दिया, आपने उनको नोटिस, अरे मेरी बात, अरे अरे हम डिबेट कर रहे हैं, ये डिबेट कर रहे हैं, चौराहे पे हम लड़ रहे हैं, तो हम हमारी बात बोल रहे हैं मोदी जी को, मेरी बात तो सुन लीजिए, कब्जा कर रहे हैं, मेरी बात तो लूट रहे हैं। शिल्पी जी एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए राकेश जी। देखिए ये इतना उतावला नहीं होना चाहिए डिबेट में, हमारी डिबेट से इस देश का कोई बड़ा निर्णय नहीं होने वाला है, हम सिर्फ अपनी बात रखते हैं जिससे जनता उस बात को विमर्श में सामने करे। तीन बातें मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ। पहली बात,
कि जो दानिश कुरैशी जी बोल रहे थे, मैंने एक सवाल उठाया था, यदि राहुल गांधी के बारे में सलमान खुर्शीद बोलते कि प्रॉफिट हैं, वो प्रॉफिट की तरह हैं, प्रॉफिट ही हैं, तो दानिश कुरैशी की क्या प्रतिक्रिया होती? क्या सलमान खुर्शीद ऐसा करने की स्थिति में थे क्या? ऐसा कर पाते क्या? इस देश में क्या स्थिति बन जाती? एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो आध्यात्मिक यात्रा भारत का, जो आध्यात्मिक बोध है, वो इस देश का मूल पिंड अध्यात्म है। उस अध्यात्म में भगवान राम को एक यूनिक स्थान प्राप्त है, एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उस विशिष्टता को सिर्फ रामचरितमानस और रामायण से ही नहीं, इस देश में श्रुतियों के आधार पर हम जानते हैं। इसलिए राहुल गांधी जय सिया राम बोले, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी भगवान राम के मंदिर में जाए, हम खुश होंगे। हम तो चाहते हैं ओवैसी भी भगवान राम के मंदिर में जाए, हमारी विरासत से जुड़े। लेकिन विरासत को नष्ट करने की जो कोशिश की, राम सेतु से लेकर भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करने तक, सिर्फ इतनी बात बता दें, राम सेतु को लेकर सवाल आपकी तरफ भी खड़े हो रहे हैं राकेश जी। खैर, मेरे पास समय खत्म हो गया, चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।